हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पावर रिलेशन इन एम वेव। सो जनरल इक्वेशन ऑफ एम वेव इज एस टी इज इक्वल टू ए सी वन प्लस के ए एम टी कॉश ओमेगा सी टी। तो सबसे पहले हम पावर कैलकुलेट करेंगे सिंगल टोन मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए। तो सिंगल टोन मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी में हमारा जो मैसेज सिग्नल होता है उसमें क्या होता है, सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है। एम टी जो हमारा क्या होगा, सिंगल फ्रीक्वेंसी की होगी। तो क्या होगा, ए सी वन प्लस के ए एम टी हमारा क्या होगा, सिंगल फ्रीक्वेंसी का होगा, ए एम कॉश ओमेगा एम टी इंटू कॉश ओमेगा सी टी। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, ए सी कॉश ओमेगा सी टी के इंटू एम क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम ए ए सी कॉश ओमेगा सी टी इंटू कॉश ओमेगा एम टी। तो अगर हम ये देखें तो ये क्या है, हमारा फार्मूला है, टू से मल्टीप्लाई कर देते, टू से डिवाइड, टू कॉस ए कॉश बी, तो क्या हो जाएगा, ए सी कॉश ओमेगा सी टी प्लस क्या हो जाएगा, एम ए ए सी बाई टू। ये टू कॉस ए कॉश बी क्या हो जाता है, कॉश ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी कॉश ओमेगा सी प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी कॉश ओमेगा सी टी प्लस एम ए ए सी बाई टू कॉश ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी प्लस एम ए ए सी बाई टू कॉश ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। अब अगर पावर कैलकुलेशन की बात करें तो इसमें क्या है, सारे टर्म्स कैरियर के हैं, तो इससे जो पावर जनरेट होगा वो क्या होगा, पीसी, उसे क्या बोलेंगे, पीसी। इससे ये क्या है हमारा, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो अगर ये देखें तो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, एफ सी प्लस एफ एम, ये हमारा क्या है, अपर साइड बैंड है। हमने देखा था फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में जो एफ सी प्लस एफ एम वाला पार्ट था वो क्या था, अपर साइड बैंड। तो इससे जो पावर जनरेट होगा वो क्या होगा, पी अपर साइड बैंड, और ये क्या है, इसी तरह एफ सी माइनस एफ एम। तो इससे जो पावर जनरेट होगा वो क्या होगा, पावर ऑफ लोअर साइड बैंड। अब पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, पावर क्या होता है, पावर होता है वी आर एम एस का स्क्वायर बाई आर। वी आर एम एस होता है एम्पलीट्यूड बाई रूट टू, ये हमारा क्या होता है, वी आर एम एस। तो अगर हम पीसी की बात करें तो पीसी क्या होगा, वी आर एम एस पहले देखते हैं पीसी का क्या होगा। अगर एम्पलीट्यूड की बात करें तो ये क्या होगा, एसी, तो एसी बाई रूट टू होगा। तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एसी बाई रूट टू का एसी स्क्वायर और रूट टू का बाई टू आर। पर हम जनरली आर क्या लेते हैं, वन लेते हैं, तो हमारा पीसी क्या हो गया, एसी स्क्वायर बाई टू, ये क्या हो गया, पीसी हो गया। उसी तरह अगर अपर साइड बैंड के पावर की बात करूं तो अपर साइड बैंड का वी आर एम एस कितना होगा, एम्पलीट्यूड क्या है, एम ए ए सी बाई टू और रूट टू, और उसको अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर ए सी टू रूट टू का टू रूट टू आएगा यहाँ, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई आर। आर तो हमारा क्या है, वन है, तो ये क्या है, आर हमारा वन है। तो ए सी स्क्वायर बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, पी सी लिख सकते हैं, पी सी लिख सकते हैं। तो हम ए सी स्क्वायर बाई टू को यहाँ पी सी लिख दिए, क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर पी सी और नीचे क्या बच जाएगा, टू, तो ए सी स्क्वायर बाई टू में चला गया तो फोर बचेगा। तो ये अपर साइड बैंड हमारा क्या है, एम ए स्क्वायर पी सी बाई फोर। इसी तरह लोअर साइड बैंड की बात करें तो लोअर साइड और अपर साइड में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारा एम्पलीट्यूड है लोअर साइड बैंड के लिए भी सेम है, अपर साइड बैंड के लिए भी सेम है। तो अपर साइड बैंड का पावर और लोअर साइड बैंड का पावर क्या होगा, सेम होगा। तो हम इसी को क्या बोल सकते हैं, पावर ऑफ
लोअर साइड बैंड। अब अगर हम टोटल पावर कैलकुलेट करें तो टोटल पावर क्या होता है? पावर टोटल होता है पावर ऑफ कैरियर, पावर ऑफ लोअर साइड बैंड प्लस पावर ऑफ अपर साइड बैंड। तो अगर पीसी की बात करें तो वो पीसी के टर्म्स में क्या आ जाएगा? पीसी लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड का क्या है? एम ए पीसी बाई फोर। तो क्या हो जाएगा अगर दोनों क्या है सेम है? तो एम ए पी सी बाई फोर प्लस एम ए स्क्वायर पी सी बाई फोर। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? पी सी प्लस पी सी एम ए स्क्वायर बाई टू। पी सी कॉमन ले ले क्या आ जाएगा? वन प्लस एम ए स्क्वायर बाई टू। चाहे एम ए हमारा क्या है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। तो ये हमारा क्या हो गया? पी टोटल हो गया। तो ये हमारा क्या है? पावर है सिंगल टोन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स के लिए। जहाँ एम ए हमारा क्या है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। और पी सी क्या है? कैरियर पावर। और पी सी किसके बराबर है? ए सी स्क्वायर बाई टू। ये हमारा क्या है? पी सी है। अब हम देखते हैं ट्रांसमिशन इफिशियंसी क्या होता है। ट्रांसमिशन इफिशियंसी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ये होता है पावर साइड बैंड, पावर थ्रू साइड बैंड एंड डिवाइडेड बाय पावर टोटल। पावर साइड बैंड क्या होगा? पावर थ्रू लोअर साइड बैंड प्लस पावर थ्रू अपर साइड बैंड डिवाइडेड बाय पी टोटल। और अभी हमने देखा था पावर साइड बैंड जो लोअर का होता है और अपर का होता है वो क्या होता है? सेम होता है। तो वो क्या हो जाएगा? टू टाइम्स किसी भी एक का, तो पावर ऑफ लोअर साइड बैंड डिवाइडेड बाय पी टोटल। अब अगर हम पावर ऑफ लोअर साइड बैंड की बात करो तो वो क्या आया था? एम ए स्क्वायर पी सी वाई फोर इंटू टू था। और टोटल पावर हमारा क्या आया था? पी सी वन प्लस एम ए स्क्वायर बाई टू। तो अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा? पी सी से पी सी कैंसल आउट, यहाँ से टू, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हुआ टू, और ये हमारा पी सी से पी सी कैंसल, क्या बच गया? एम ए स्क्वायर बाई टू और नीचे वन प्लस एम ए स्क्वायर बाई टू। तो अगर हम ये टू को कॉमन ले और क्या हो जाएगा? टू प्लस एम ए स्क्वायर, ये टू से टू कैंसल, क्या बचा? एम ए स्क्वायर टू प्लस एम ए स्क्वायर। तो ट्रांसमिशन इफिशियंसी हमारी कितनी आई? उसे हम डिनोट करते हैं नीटा से। तो नीटा कितनी आई? एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस एम ए स्क्वायर। ये हमारी है ट्रांसमिशन इफिशियंसी। अब अगर पावर कैलकुलेट करनी है मल्टी टोन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स के लिए तो एस टी क्या हो जाएगा? ए सी वन प्लस ए एम टी कॉस ओमेगा सी टी। तो मल्टी टोन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स के लिए मैसेज जो होगा इसके फ्रीक्वेंसी क्या होगा? मल्टीपल होंगे। ए सी वन प्लस के ए, तो क्या होगा? अगर ए एम वन कॉस ओमेगा एम वन टी प्लस के ए ए एम टू कॉस ओमेगा एम टू टी प्लस सो ऑन
इंटू कॉस ओमेगा सी टी। तो अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स वन का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एम ए वन ए सी कॉस ओमेगा एम वन टी इंटू ये क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा सी टी मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस ओमेगा सी टी। इसी तरह क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा एम ए टू, ये क्या होगा एम ए टू इंटू ए सी इंटू कॉस ओमेगा एम टू टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी एंड सो ऑन। तो अगर इसे देखें तो ये क्या होगा डिवाइडेड बाई टू इंटू टू टू कॉस ए कॉस बी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी तरह यहाँ भी। तो आइए लिखते हैं क्या हो गया ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ये क्या है हमारा एम ए वन ए सी बाई टू, ये क्या ये होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, मैं यही अलग अलग करते जाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ओमेगा एम वन प्लस ओमेगा सी टी। इसी तरह एम ए वन ए सी बाई टू कॉस ए माइनस बी, तो ओमेगा से बड़ा होता है इसलिए मैं बी माइनस से लिख ले रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉस में क्योंकि। निगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया इसका फर्स्ट टर्म्स का, इसी तरह ये सेकेंड टर्म्स का क्या होगा एम ए टू ए सी बाई टू इंटू कॉस ओमेगा एम टू प्लस ओमेगा सी टी प्लस एम ए टू ए सी टू कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टू टी प्लस सो ऑन, इसी तरह से चलता जाएगा। तो अगर हम पावर की बात करें तो ये जो हमारा फर्स्ट टर्म्स है इससे अभी भी हमारा जो पावर जनरेट होगा वो सिर्फ किसके वजह से जनरेट होगा कैरियर के वजह से, ये हमारा अभी भी क्या है पीसी है। इसकी बात करूँ तो ये क्या होगा अपर साइड बैंड वन के लिए, ये इसी तरह लोअर साइड बैंड वन के लिए, इसी तरह ये अपर साइड वन टू के लिए, ये लोअर साइड बैंड टू के लिए एंड ऐसी तरह चलता जाएगा। तो अगर पीसी की बात करें तो पीसी क्या आएगा ए सी स्क्वायर बाई टू, उसी तरह पी अपर साइड बैंड वन की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा एम ए वन का स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा टू रूट टू का स्क्वायर एट आया था और आर की वैल्यू हमने क्या ली थी वन ली थी और ए सी स्क्वायर बाई टू को हमने पी सी बोला था, तो क्या आया था हमारा पीछे मैंने पहले भी देख रखा है ये क्या है पी सी एम ए स्क्वायर बाई फोर। इसी तरह अगर हम पी लोअर साइड बैंड वन की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा सेम ही आता था अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का क्या रहता था सेम, तो एम ए वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर। इसी तरह पावर ऑफ अपर साइड बैंड टू क्या हो जाएगा सेम आएगा, बस एम ए के जगह क्या हो जाएगा एम ए टू हो जाएगा पी सी एम ए टू स्क्वायर बाई फोर एंड पाई पावर ऑफ लोअर साइड बैंड टू क्या हो जाएगा पी सी एम ए टू स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा। तो अगर हम टोटल पावर की बात करें तो टोटल पावर क्या हो जाएगा पी टोटल, तो
पावर थ्रू कैरियर, पावर थ्रू अपर साइड बैंड प्लस पावर थ्रू लोअर साइड बैंड, तो हम इसे कह देते हैं पावर थ्रू साइड बैंड प्लस वन। उसी तरह पावर थ्रू साइड बैंड टू एंड सो ऑन। तो अगर हम पीसी के टर्म्स में पावर लिखे तो ये क्या है पीसी, ये साइड बैंड का क्या हो जाएगा लोअर प्लस अपर, तो दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा पीसी एम ए वन का स्क्वायर बाई टू। इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा पीसी एम ए स्क्वायर एम ए टू का स्क्वायर बाई टू एंड सो ऑन। तो अगर हम यहाँ से पीसी कैलकुल कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा पीसी वन प्लस एम ए वन का स्क्वायर बाई टू प्लस एम ए टू का स्क्वायर बाई टू प्लस एम ए थ्री का स्क्वायर बाई टू एंड सो ऑन, इसी तरह चलता जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं पीसी वन प्लस का टू एल सी एम ले ले तो फिर क्या बचेगा एम ए वन का स्क्वायर प्लस एम ए टू का स्क्वायर प्लस एम ए थ्री का स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट। और हम इसे क्या लिख सकते हैं पी सी वन प्लस, इसे हम एम ए टोटल का स्क्वायर बाई टू लिख सकते हैं, जहाँ एम ए टोटल क्या होगा एम ए टोटल का स्क्वायर होगा एम ए वन का स्क्वायर प्लस एम ए टू का स्क्वायर एंड। तो अगर हम पी टोटल सिंगल टोन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स के लिए देखें, ये हमारा क्या है मल्टी टोन के लिए, तो सिंगल टोन के लिए क्या हो जाएगा पी सी वन प्लस एम ए टोटल। अब एम ए टोटल वहाँ सिंगल फ्रीक्वेंसी होती थी तो क्या होगा एम ए टोटल सिर्फ क्या होती थी एम ए होता था, तो एम ए स्क्वायर बाई टू जो हमने कैलकुलेट भी किया है। तो ये हमारा क्या हो गया जनरल इक्वेशन हो गया, इससे हम सिंगल टोन मल्टी टोन और भी जैसे दो फ्रीक्वेंसी हो तीन फ्रीक्वेंसी हो, मतलब ये क्या हो गया हमारा जनरल इक्वेशन हो गया। इसी तरह अगर एफिशिएंसी की बात करूँ ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, सिंगल टोन के लिए क्या आया था एम ए स्क्वायर टू प्लस एम ए स्क्वायर, तो अगर हम जनरल की बात करें तो सिर्फ इसमें क्या बदलाव आएगा एम ए टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस एम ए टोटल का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया जनरल इक्वेशन किसका आ गया ट्रांसमिशन एफिशिएंसी का आ गया। तो ये था सिंगल टोन और मल्टी टोन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स का पावर। तो अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।